बढ़ते आगे, खबर भोपाल से है जहां चुनावी साल में फिर राम की शरण में बीजेपी। श्री रामचंद्र पथ गमन न्याय का गठन होगा। राम पथ गमन मार्ग के विकास कार्यों की निगरानी भी की जाएगी। समन्वय का भी काम करेगा न्याय। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। आने वाले कैबिनेट में न्यास के गठन को मंजूरी मिलेगी। सीएम रहेंगे और 33 अन्य लोग न्यासी के रूप में शामिल होंगे। यानी साफ तौर पर बीजेपी अपना मिशन 2023 को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां आने वाली कैबिनेट में न्यास के गठन को मंजूरी मिल सकती है। यानी कल शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक है, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। श्री रामचंद्र पथ गमन न्याय का गठन किया जाएगा। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच फिर राम की शरण में बीजेपी नजर आ रही है एक बार फिर। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है चुनावी साल है, तो राम की शरण में बीजेपी दोबारा से दिख रही है। और राम वन गमन पथ जिसको लेकर लंबे समय से देखिए प्रयास किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण शुरू किया जाए, क्योंकि देखिए लंबे समय से बीजेपी की जो मंत्री हैं विभागीय उषा ठाकुर, वो कह रही थी कि राम वन गमन पथ का जो पूरा प्लान है वो काफ़ी तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। अब इसी को लेकर देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है चुनावी साल में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं खासकर धर्म के कार्य से जुड़े हुए, उन पर खासा फोकस किया जा रहा है। देखिए ओमकारेश्वर के बाद अगर हम देखें, ओमकारेश्वर में जो है लोक का निर्माण हो रहा है, उसके बाद अब राम वन गमन पथ का निर्माण चुनावी साल में बीजेपी जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, क्योंकि देखिए कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं अब जो है विधानसभा चुनाव में। इसके पहले जितने भी धर्मोत्सव से जुड़े कार्य हैं, चाहे राम वन गमन पथ का निर्माण बोले या किसी और का, यहाँ पर पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका जो पूरा प्लान है वो तैयार किया जाए। अब देखिए राम वन गमन पथ इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है कि जो है इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाए। साथ ही साथ धर्म, आध्यात्म, रचना और कला से जुड़ी जितने भी लोग हैं वो भी लगातार इसको लेकर देखिए प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी तरीके के लोगों को भी जो है इस समिति में शामिल किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से जितने भी धर्मों से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखिए एक्टिव मोड में है। खुद उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ये समिति जो है, और कल इसका कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। देखिए कल कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा, तो जाहिर सी बात है प्रस्ताव पारित होगा जब सभी मंत्रियों की इस पर मुहर लगेगी। उसके बाद जितनी जल्दी इसका काम शुरू किया जा सकेगा वो किया जाएगा, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए लंबे समय से देखिए सियासत भी राम वन गमन पथ को देखने को लेकर देखने को मिली है। कमलनाथ और कांग्रेस हमेशा देखिए इसको लेकर दावा जताते हुए आया है कि कांग्रेस ने जो है वो प्लान तैयार किया था इसको लेकर, तो बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। समिति का गठन होगा, कल होने वाली बैठक की प्रस्ताव पारित होगा, कैबिनेट की बैठक में भी प्रस्ताव आएगा जिसको मंजूरी मिल सकती है। मितांशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।